हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार, स्मार्ट कंप्यूटर्स रायसनगर से। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो और आपका भी 3 अक्टूबर 2021 को आरएससीआईटी का एग्ज़ाम है तो आपके पास मात्र 2 दिन का ही समय बचा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको यूँ लगता है भी 3 अक्टूबर एग्ज़ाम वाले की आरएससीआईटी एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ये आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आरएससीआईटी की बुक्स होती है, जो कि एक आरएससीआईटी स्टूडेंट्स को दी जाती है। इसमें से टोटल जो 16 कंटेंट्स है, यानी कि टोटल जो 16 लेसन इस बुक्स में हैं, उन सभी 16 लेसन में से हमने 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी संभावना इस आरएससीआईटी एग्ज़ाम में आने की है, तो वो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस का एक हम इसको प्री टेस्ट कह सकते हैं, एक मेगा टेस्ट हम इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपनी तैयारी को परखने के लिए भी आप इस वीडियो का जरूर आप यूज़ कीजिए, ताकि आपको पता चल सके भी आपने कितनी अच्छी लेवल की तैयारी कर रखी है। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी, क्योंकि ये इससे पहले जो आरएससीआईटी का एग्ज़ाम हुआ था वो फरवरी 2021 में हुआ था, लगभग 8 महीने के बाद अब ये एग्ज़ाम दोबारा हो रहा है। तो इसके दौरान कोविड की वजह से काफ़ी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है वो बंद भी रहे, तो हो सकता है आपने प्रॉपर प्रैक्टिकली क्लास आप ज्वाइन नहीं कर पाए इंस्टीट्यूट में जाके, या इसके अलावा अदर कोई भी रीज़न हो सकता है भी जिसके कारण आप इस प्रॉपर बुक्स को नहीं पढ़ पाए, तो भी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इस 150 क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो, 1 नंबर क्वेश्चन से लेके 150 नंबर क्वेश्चन तक, तो जो 3 अक्टूबर का आरसीईआरटी का जो एग्ज़ाम है उसको आप भी जो 14 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट जरूरी चाहिए पास होने के लिए, तो वो आप इजीली क्रैक कर सकोगे एग्जाम को। तो आपको आरसीईआरटी का जो एग्ज़ाम आपको पास करना है तो इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके हैं 150 क्वेश्चन, और इस 150 क्वेश्चन में आपको ही आंसर देना है। अब आंसर आपको किस तरीके से देना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, आपको इस तरीके से 1 नंबर से लेके 150 नंबर तक आपको ये बॉक्स बनाने हैं, और उसके बाद में आप ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हो, इस क्वेश्चन को आपको देख कर यूँ लगता है भी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, या फिर डी ऑप्शन सही है, तो आपको उस क्वेश्चन के आगे उसका ऑप्शन नंबर लिखना है। यानी कि ए सही है तो आपको ए लिखना है, बी सही है तो बी सही लिखना है, सी सही है तो सी लिखना है, या डी सही है तो डी ऑप्शन सही है, जो आपको सही लगता है वो आपको लिखना होगा। तो जैसे ही आप 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो तो बाद में आपको ये आंसर शीट आपको प्रोवाइड करवाई देगी। तो ये जो आंसर की है ये भी हमने इस बॉक्स टाइप ही तैयार कर रखी है, ताकि जब भी आप अपने जो डाटा आपने तैयार किया है आपने एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए, तो आप इस आंसर शीट के साथ आसानी से मिलान कर सको। तो दोस्तों, ये वीडियो एक जो आरसीईआरटी के जो पहली बार एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिश्तेदारों में, क्योंकि आरसीईआरटी का जो एग्ज़ाम है ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हो सकता है ये आपका एक शेयर आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके किसी भी रिलेटिव के अंदर अगर ये पहुँच जाए तो हो सकता है उनके भी काफ़ी हेल्प इस वीडियो से हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम की तैयारी इस बार अच्छी तरीके से हुई नहीं है कोविड की वजह से, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बंद होने की वजह से, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, एक दूसरी सूचना, एक आरसीईआरटी का जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है भी, सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं जो पहली बार मतलब एग्ज़ाम तो दे रहे हैं, विशेषकर जो स्कूल्स के बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, जो आरसीईआरटी एग्ज़ाम में उनको ओमआर सीट जो दी जाती है उस ओमआर सीट को भरते वक्त काफ़ी ज़्यादा गलती कर देते हैं। हालांकि उन्होंने क्वेश्चन सारे उनको आते हैं, सभी अच्छी तैयारी भी उनकी अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर उन्होंने ओमआर सीट को भरते वक्त अगर कोई गलती कर दी तो सारी मेहनत उनकी बेकार हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ओमआर सीट किस तरीके से भरनी है इसका वीडियो भी मैंने मतलब बना के रखा हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए, तो ऊपर आप देख रहे हो आई बटन पर भी आपका इसका लिंक आ गया होगा, तो वहाँ पर आप इसको क्लिक करके ओमआर सीट को किस तरीके से भरना है वो भी आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, और आपको आरसीईआरटी एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये ज़रूरी नहीं है भी हमने जो आपको ये जो 150 क्वेश्चन बताए हैं एजीटीज ही क्वेश्चन आपके सामने आए, हो सकता है उस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है। तो वो किस तरीके से पूछा जा सकता है वो हम आपको बताएंगे जब हमारा
क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे पहले क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन तक, तो हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे भी इस क्वेश्चन को दूसरे किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसके आंसर को भी ध्यान से देखना होगा, ताकि आप जब RCET का एग्ज़ाम हो तो उसको आसानी से क्रैक कर पाओगे। तो दोस्तों आपको RCET को एग्ज़ाम पास होने में आपको मिनिमम आपको 14 क्वेश्चन सही करने होंगे, यानी कि 28 मार्क्स आपको लेने होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो इजीली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप नए आए हो, पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि RCET जो 3 अक्टूबर को होने वाला है उसकी जो एग्ज़ाम होने के बाद जो आंसर की आएगी वो आंसर की भी आपको इसी चैनल पर सबसे मिलेगी, वो भी बिल्कुल स्टिक आंसर के साथ में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस प्री टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, सूचना प्रणाली के कुल कितने भाग होते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन में 3, बी में 4, सी में 5, डी में 6। तो जो आपको ऑप्शन सही लग रहा होगा वो आपको जो आपने नोटबुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो लगाया होगा उसके आगे जो बॉक्स आपने लिखा है उस बॉक्स के अंदर केवल आपको ऑप्शन लिखना होगा। अभी ए ऑप्शन अगर आपको सही लग रहा है तो ए लिखना है, बी अगर आपको ऑप्शन लिखना है तो बी लिखना है, सी लग रहा है तो सी लिखना है। इसी टाइप से चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है ये केवल ऑप्शन आपको लिखना है। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट हम करते हैं, सूचना प्रणाली के कुल कितने भाग होते हैं? तो आंसर आपको देना होगा और लास्ट में आपको मिलान करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा दूसरी पीढ़ी का मल्टीमीडिया कार्ड है जिसमें डेटा को लॉक व रक्षा करने की क्षमता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, निम्न में से कौन सा दूसरी पीढ़ी का मल्टीमीडिया कार्ड है जिसमें डेटा को लॉक व रक्षा करने की क्षमता है? ए ऑप्शन आपके सामने ATM कार्ड, बी ऑप्शन क्रेडिट कार्ड, सी ऑप्शन आपके सामने सिक्योर डिजिटल कार्ड, उपरोक्त सभी। तो आपको जो ऑप्शन सही लगता है उस ऑप्शन को आप उस नोटबुक में लिखिए। तो दोस्तों आप जैसा कि आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और भी बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है? जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो सिक्योर डिजिटल कार्ड, जिसका हम शॉर्टकट नाम लिखते हैं SD कार्ड। तो आपके सामने इस तरीके से पूछा जा सकता है भी SD कार्ड का पूरा नाम क्या है। तो आपके सामने सिक्योर डिजिटल कार्ड या इसके अलावा और 3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सिक्योर डिजिटल कार्ड का शॉर्ट नाम SD कार्ड होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन आप देख रहे हो उसका क्वेश्चन को तो आपको ध्यान से देखना ही देखना है, बल्कि उनके आंसर को भी आपको ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम चलते हैं, संख्यात्मक अल्फाबेटिक ऑडियो इमेज किसके प्रकार हैं? दोबारा हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, संख्यात्मक अल्फाबेटिक ऑडियो इमेज किसके प्रकार हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने, ए डेटा, बी सॉफ्टवेयर, सी मेमोरी, डी उपरोक्त सभी। तो जो आपको सही लगता है वो ऑप्शन आप चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग हैं? कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग हैं, ए ऑप्शन सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी ए या बी दोनों, डी फिर प्रिंटर। जो ऑप्शन सही लगता है उस ऑप्शन को आप नोटबुक में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, कंट्रोल एल्ट की को कहते हैं? तो ए ऑप्शन यानी कि कंट्रोल एल्ट की को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन टॉगल की, फंक्शन की, कॉम्बिनेशन की, या ए और बी दोनों। तो जो आपको सही लगता है उसको आप ऑप्शन में सेलेक्ट कीजिए, यानी कि कंट्रोल और एल्ट की को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राफिक टैबलेट में किस पेन का इस्तेमाल होता है? ग्राफिक्स टैबलेट में किस प्रकार के पेन का इस्तेमाल होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, ए ऑप्शन स्पेशल पेन, बी डॉट पेन, सी डिजिटल पेन, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन आंसर है इसको आपको बताना होगा क्या आंसर है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, तो कंप्लीट आप देखना इसको। नंबर 7, एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का तरीका है? क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का तरीका है, ए ऑप्शन OMR कोड, बी ऑप्शन बार कोड, सी ऑप्शन OCR कोड, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आपको बताना होगा। तो दोस्तों अब आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में भी और क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, ये निकल के आ रहे हैं भी OMR का फुल फॉर्म बताइए, OCR की फुल फॉर्म बताइए। हालांकि फुल फॉर्म से रिलेटेड आपको इस वीडियो में आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको इन सभी की फुल फॉर्म आपको भी याद करनी होगी साथ में।
तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, बारकोड, ओसीआर, ओएमआर, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम निम्न में से किसके उदाहरण हैं? क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बारकोड, ओसीआर, ओएमआर, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों इसके अंदर कुछ इस तरीके का प्रिंटर भी जोड़ा जा सकता है, तो कुछ और भी, मतलब इसके अंदर कोई ग्राफिक टैबलेट भी जोड़ी जा सकती है, तो ये किस टाइप के उदाहरण है? तो ऑप्शन आपके सामने, इनपुट डिवाइस हो सकता है, आउटपुट डिवाइस है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या उपरोक्त सभी है। तो सही आंसर आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इंपैक्ट प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? क्वेश्चन नंबर 9, इंपैक्ट प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? ए ऑप्शन लाइन प्रिंटर, बी ऑप्शन करेक्टर प्रिंटर, सी ऑप्शन इंक जेट प्रिंटर, डी ऑप्शन ए व बी दोनों। तो सही आंसर क्या होगा वो आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 10, लोगों की बड़ी संख्या के लिए कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करने व मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, लोगों को बड़ी संख्या के लिए कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करने व मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन कंप्यूटर का, बी ऑप्शन मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का, सी ऑप्शन मल्टीमीडिया प्रिंटर का, या उपरोक्त सभी। तो आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन मोडेम, बी स्कैनर, सी हार्डवेयर, डी उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या रहेगा वो आपको देखना है। लास्ट में आपको आंसर की के साथ इसको मैच भी करना होगा, और कितने क्वेश्चन आप सही करते हो ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब होता है? कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब होता है? ए ऑप्शन प्रोसेसर विनिर्देश, बी मेमोरी क्षमता, सी हार्ड डिस्क स्पेसिफिकेशन, और डी सभी। तो आपको देखना है क्वेश्चन इसका, 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप जरूर कीजिए, ताकि आप जैसे स्टूडेंट्स और को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है? निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है? सीपीयू, हार्ड डिस्क, डीवीडी, या फिर फ्लॉपी। तो कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको देखना है। हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, फ्लॉपी है, तो आपको आंसर बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्यता कहलाती है। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्यता कहलाती है। ए ऑप्शन थ्रेडिंग, बी मल्टीटास्किंग, सी वर्म बूटिंग, और डी प्रोसेसिंग। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आप सेलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, कंट्रोल पैनल विंडो 10 में अपीयर्स और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग में। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं, कंट्रोल पैनल विंडोज 10 में अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग में। ऑप्शन उपयोगकर्ता को स्क्रीन रेजुलेशन और रंग की गुणवत्ता बदलने की अनुमति देता है। बी ऑप्शन उपयोगकर्ता को डेस्कटॉप पृष्ठभूमि पर अपनी पसंद की तस्वीर बदलने की अनुमति देता है। सी ऑप्शन उपयोगकर्ता को स्क्रीन सेवर को बदलने या एक्स सक्षम करने की अनुमति देता है, या सभी ऑप्शन। तो ऑप्शन आपको इसमें से देखना होगा कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो दोस्तों क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं ना, बुक्स में से जो लेसन है उसी लेसन में से इसको तैयार किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मॉनिटर में रिफ्रेश दर किससे मापा जाता है? मॉनिटर में रिफ्रेशिंग दर किस में मापा जाता है? डॉट पर इंच, हर्ट्ज, पिक्सल, या सभी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो इस टाइप्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन विंडोज, यूनिक्स, एमएस डॉस, या सभी। क्वेश्चन नंबर 18, एक
32 बिट कंप्यूटर एक समय में कितने बाइट अभिगमन कर सकता है, जबकि एक 64 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में बाइट अभिगमन कर सकता है। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, एक 32 बिट कंप्यूटर एक समय में कितने बाइट अभिगमन कर सकता है, जबकि एक 64 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में बाइट अभिगमन करता है। ए ऑप्शन 8.4, बी ऑप्शन 4.8, सी 4.2, डी 3.6। तो सही आंसर को आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोसेसर को व्यक्त करने वाले प्रोग्राम को पहचानने वाली यूटिलिटी का नाम क्या है। रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, प्रोसेसर को व्यक्त करने वाले प्रोग्राम को पहचानने वाली यूटिलिटी का नाम क्या है। तो ए ऑप्शन डिवाइस मैनेजर, बी ऑप्शन टास्क मैनेजर, सी सिस्टम मैनेजर, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे क्या कहेंगे। एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो क्या कहेंगे, मल्टी प्रोसेसर, यूनिप्रोसेस, उसके बाद में मल्टी थ्रेडेड, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, कीबोर्ड और अन्य कोई डिवाइस पर स्थित स्टार्ट बटन विन की को प्रेस करके ओपन किया जा सकता है। क्वेश्चन को थोड़ा, हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, यानी कि इसमें थोड़ा सा बदलाव करके भी पूछा जा सकता है। कीबोर्ड और अन्य कोई डिवाइस पर स्थित स्टार्ट बटन विन की को प्रेस करके ओपन किया जा सकता है, स्टार्ट मेन्यू को ओपन किया जा सकता है, मेन्यू बार को ओपन किया जा सकता है, या फिर स्टेटस बार को किया जा सकता है, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन पाने के लिए आवश्यकता होती है, कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन को पाने के लिए आवश्यकता होती है इंटरनेट सेवा प्रदाता, मोडेम, सॉफ्टवेयर, ए व बी दोनों। अब जैसा कि दोस्तों इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी निकल के आ रहा है भी इंटरनेट सेवा प्रदाता, तो इसका ISP यानी कि ISP का शॉर्ट नाम, पूरा नाम अगर पूछा जाए तो इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। अगर कोई इसके टाइप के अगर आपके पास क्वेश्चन आता है भी ISP का मतलब पूरा नाम बताओ, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हिंदी में इंटरनेट सेवा प्रदाता। क्वेश्चन नंबर 23, टेलीफोन लाइनों में जानकारी संचारित होती है, डिजिटल फॉर्म, मोडेम, इंफॉर्मेशन एनालॉग फॉर्म, या फिर राउटर। तो इस ऑप्शन में जो आपको ऑप्शन सही लगते हैं वो आपको सेलेक्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, www का पूरा नाम क्या है, क्योंकि अब आपको जो आंसर मिलेंगे वो बिल्कुल मिलते जुलते से मिलेंगे, तो वहां पर आपको केयरफुली देखना होगा। तो जैसा कि आप पहला ऑप्शन देख रहे हो वर्ल्ड वेब, बी ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब, सी नंबर ऑप्शन राइट वर्ल्ड वेब, चौथा रोंग वाइड वेब। तो आप देख रहे हो सभी मिलते जुलते से नाम है, तो आपको यहां पर केयरफुली देखना होगा भी www का पूरा नाम क्या है, क्योंकि जल्दबाजी के अंदर आपको आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 25, DSL यानी कि अब DSL का पूरा नाम आपको यहीं पे भी देखने को मिल रहा है, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। तो DSL का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो डिजिटल सब्सक्राइब लाइन सेवा किस प्रकार का कनेक्शन का प्रयोग करती है जो इसे डायलअप से अधिक तेज बनाता है। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, DSL सेवा किस प्रकार का कनेक्शन का प्रयोग करती है जो इसे डायलअप से अधिक तेज बनाता है। आंसर मोडेम, बी ब्रॉडबैंड, सी स्मार्टफोन, या डी फॉर सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे लोकप्रिय ब्राउजर कौन सा है, यानी कि सबसे पॉपुलर ब्राउजर कौन सा है, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, या ओपेरा। तो इसमें से आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, आज का ईमेल सिस्टम किस मॉडल पर कार्य करता है, आज का ईमेल सिस्टम किस मॉडल पर कार्य करता है। तो चार ऑप्शन, मेल पावर, स्टोरेज एंड फॉरवर्ड, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 28, ईमेल में सीसी का क्या अर्थ होता है? या फिर आपसे ये टाइप पूछा सकता है भी सीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन कार्बन कॉपी, बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कॉपी या ओनली कॉपी। तो सही ऑप्शन क्या, ये एक इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान सरकार और इसके विभागों के लिए एक विशेष रूप से उपलब्ध उपयोगी और सूचनात्मक वेबसाइट है, यानी कि बात करें भी राजस्थान सरकार की एक ऑफिशियली वेबसाइट कौन सी है राजस्थान इसके विभागों के लिए। तो पहला देख रहे हो, इसके अंदर भी आपको सभी मिलते जुलते से ही आपको नाम दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन देख रहे हो HTTPS, तो आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर केवल आपको HTTP भी पूछा जा सकता है, वो बिल्कुल गलत है। जिसके साथ में HTTPS लगा हुआ वो बिल्कुल सही होता है, यानी कि सिक्योर मानी जाती है। http://www.rajasthan.gov.in सी ऑप्शन है https://www.rtearaj.nic.in/home/portal.aspx सी ऑप्शन https://www.rpsc.rajasthan.gov.in या उपरोक्त सभी। तो आपको आंसर इसका बताना है। क्वेश्चन नंबर 30, एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां डॉक्यूमेंट व बाकी वेब रिसर्च को उनके URL द्वारा पहचाना जाता है। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां डॉक्यूमेंट एवं बाकी वेब रिसर्च को उनके URL द्वारा पहचाना जाता है। इंट्रानेट, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब या होम पेज। क्वेश्चन नंबर 31, जब आप कोई एड्रेस टाइप करते हो जैसे https://www.smart.org तो यहाँ .org का क्या अर्थ है? .org यानी कि इसके लास्ट में जो .org लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ये किस टाइप की वेबसाइट को प्रेजेंट करता है? तो इसके अंदर चार ऑप्शन, एजुकेशनल वेबसाइट, बी कॉमर्शियल वेबसाइट, सी ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए .org का जो मतलब किसके लिए यूज किया जाता है। तो ये भी है आपके इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, पैकेट, पावर मैसेंजर, सुपर मैसेंजर या डी पार्ट। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो आपको 32 नंबर ऑप्शन के सामने लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 33, .gov.edu.mil.net एक्सटेंशन को कहते हैं, डोमेन कोड, DNS कोड, ईमेल या वेबसाइट। ये भी इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, स्पैम होते हैं अनचाही संदेश, महत्वपूर्ण संदेश, ड्राफ्ट या फिर ईमेल। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसके माध्यम से इंटरनेट पर कंप्यूटर विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है? क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, निम्न में से किसके माध्यम से इंटरनेट पर कंप्यूटर विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने, वेब एड्रेस के द्वारा, IP एड्रेस के द्वारा या सर्वर के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। यह भी इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट के माध्यम से फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट के माध्यम से फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, TEF, SFTP, FSTP या HTTPS। ये भी इंटरनेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से सर्च इंजन नहीं है, निम्न में से सर्च इंजन नहीं है, फेसबुक, www.google.com या www.bing.com या बी एंड सी ऑप्शन दोनों।
तो जो आपको सही लगता है वो आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 38, ईमेल भेजने के दौरान प्राप्तकर्ता ईमेल पता में डाला जाता है। भी जब हम किसी को ईमेल करते हैं तो ईमेल भेजने के दौरान प्राप्तकर्ता यानी कि जो हमारे जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं उसका पता, ईमेल एड्रेस का जो पता होता है वो कहाँ डाला जाता है? ओनली टू में, या ओनली टू BCCC में, ओनली टू एंड CC में, या ओनली CC में, या उपरोक्त सभी। तो उसका एड्रेस कहाँ पे लिखना होता है जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं? ये भी इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, स्काइप क्या है? यानी कि स्काइप क्या है? वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है, वेब सिस्टम है, या फिर उपरोक्त सभी है? क्वेश्चन नंबर 40, भामाशाह योजना का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, प्रभावी सेवा वितरण, वित्तीय समावेशन, या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर आपको बताना होगा, अभी भामाशाह योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 41, क्रेडिट कार्ड नंबर कितने अक्षरों का होता है? यानी कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो नंबर जो लिखे होते हैं उस पर कितने डिजिट के वो नंबर होते हैं? 12 के, 14 के, 16 के, या फिर 18 अंकों के? क्वेश्चन नंबर 42, CVV सुरक्षा कोड कितने अक्षरों का होता है? ए ऑप्शन एक अक्षर का, तीन अक्षरों का, पांच अक्षरों का, या फिर 16 अक्षरों का? क्वेश्चन नंबर 43, एक POS टर्मिनल आमतौर पर किस तरह कार्ड की भुगतान करने की सुविधा देता है? एक POS टर्मिनल आमतौर पर किस प्रकार की, किस तरह की कार्ड से भुगतान करने की सुविधा देता है? डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की, या फिर ए और बी यानी कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों, या पैन कार्ड? क्वेश्चन नंबर 44, PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है? पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में अकाउंट खोलने के लिए कम से कम कितनी राशि आवश्यक है? 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 16,000 रुपये, या 0 यानी कि 0 रुपये? क्वेश्चन नंबर 45, UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? पैसा भेजने के लिए, पैसा जमा करवाने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए? क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो क्रेडिट कार्ड, SBI बड्डी, या भीम ऐप, या पेटीएम? तो सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी गैर वोलाटाइल स्मृति है? निम्न में से कौन सी गैर वोलाटाइल स्मृति है? रैम, रोम, LSI, या फिर VLSI? क्वेश्चन नंबर 48, SNS का पूरा नाम क्या है? SNS का पूरा नाम क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग सर्विस, सोशल नेटवर्क सर्विस, सोशल नेटवर्क स्कीम? तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर आपको देख रहे हैं सभी मिलते जुलते से नजर आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल सावधानी से इसको आंसर को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 49, SSO बनाते समय सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है? SSO ID बनाने के समय किस चीज से वेरिफिकेशन किया जाता है? बायोमेट्रिक मशीन से किया जाता है, OTP से किया जाता है, सर्वर से किया जाता है, या ए और बी ऑप्शन दोनों सही हैं? तो जो आपको सिलेक्ट सही लगता हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 50, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं? नागरिक ऑनलाइन यानी कि एक स्टूडेंट हम कह सकते हैं भी, ऑनलाइन माध्यम से अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना हो तो किसके थ्रू कर सकते हैं? ई मित्र के थ्रू कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे कर सकते हैं, सिंगल साइन ID के द्वारा कर सकते हैं, या सभी के द्वारा कर सकते हैं?
तो क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय रेल सेवा की ऑथोराइज्ड वेबसाइट है, यानी कि एक जो लीगल वेबसाइट होनी चाहिए भारतीय रेल सेवा की, वो कौन सी है? IRNTC, IRCTC, IRCCT या IRCCC? क्वेश्चन नंबर 52, मोबाइल में लोकेशन सेवा प्रदाता करता है, GPS, फेसबुक, मोबाइल डाटा या फिर वाईफाई? क्वेश्चन नंबर 53, DOIT राजस्थान सरकार से संबंधित एप्स इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल करना, राज ऐप केंद्र का, एसोसो का या फिर राजधारा का? तो सही ऑप्शन आपको बताना होगा बी, DOIT राजस्थान सरकार से संबंधित ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको कहाँ से करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से, राज ऐप केंद्र से, एसोसो के लिए, राजधारा के लिए? क्वेश्चन नंबर 54, एक डॉक्यूमेंट को अलग अलग जगहों पर अलग अलग फाइल नेम और अलग अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग करते हैं? एक डॉक्यूमेंट को अलग अलग जगहों पर सेव और अलग अलग फाइल का नाम और अलग अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए, जैसे कि आपने कोई मतलब PDF में कर दिया या किसी मतलब जो इसकी रिकॉर्ड की फाइल है, जैसे कि हमारे पास MS Word की फाइल है, तो इसमें जो डॉट जो हमारा एक्सटेंशन नाम लगता है DOC का, उसके कमांड के नाम से अलग अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सेव का, ओपन का, सेव एज का या फिर रिसेंट का? तो सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ड 2010 में डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, वर्ड 2010 में डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, एरियल का, एरियल ब्लैक का, कैलिबरी का या फिर एरियल MT बोल्ड का? क्वेश्चन नंबर 56, MS Word में डॉक्यूमेंट में प्रथम पृष्ठ पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है? MS Word में डॉक्यूमेंट में प्रथम पृष्ठ पर जाने के लिए, यानी कि अगर मान लीजिए आपके MS Word है, उसके 10 पेज है और आप मौके के ऊपर 10वें पेज पे खड़े हो, तो आपको कौन सी की के साथ आपको फर्स्ट की पे आप जा सकते हो एक कमांड के साथ में, तो आपको कौन सी कमांड इसमें यूज करनी होती है? Ctrl+Shift या फिर Ctrl+Home या Ctrl+Delete या Ctrl+Space? क्वेश्चन नंबर 57, MS Word 2020 में रिबन की श्रृंखला में बने होते हैं, MS Word 2010 में लिखना था, सॉरी 2020 लिखा गया, MS Word 2010 में रिबन की श्रृंखला में बने होते हैं, तो जो आपको यहाँ पे 2020 जो दिखाई दे रहा है, इसको आपको 2010 समझना है, 2010 है ये, MS Word 2010 में रिबन की श्रृंखला में बने होते हैं, उसको कहते हैं टैब्स, विंडोज, टेक्स्ट या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सी कुंजी समूह का प्रयोग वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है? निम्न में से कौन सी कुंजी समूह का प्रयोग वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है Ctrl+ का और बराबर का निशान, Alt+ और इक्वल का निशान, Ctrl+Alt फिर इक्वल का निशान या फिर Enter+ इक्वल का निशान? क्वेश्चन नंबर 59, MS Word में डिफॉल्ट व्यू होता है, MS Word में डिफॉल्ट व्यू होता है, हेडलाइन व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब पेज लेआउट या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 60, एक वर्कशीट में कुल रो और कॉलम या पंक्तियां होती है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक वर्कशीट में कुल रो और कॉलम की कितनी पंक्तियां होती है? तो ऑप्शन आपके सामने है बी, ऑप्शन ए, तो आप इसको क्या बोलोगे? बी, 10,48,575 रो और 16,384 कॉलम, या फिर 16,384 रो और 10,48,575 कॉलम, या फिर 20,000 रो और 10,00,000 कॉलम, या 5,000 रो और 50,000 कॉलम? तो सही ऑप्शन कौन सा है वो आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 61, डाटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू कहलाती है, डाटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? डाटा लेबल कहलाती है, डाटा सीरीज कहलाती है या स्प्रेडशीट कहलाती है या फिर लीजेंड कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 62,
सूत्र वो समीकरण है जो आप वर्कशीट में वैल्यूज पर गणना का प्रदर्शन करते हैं। सूत्र वो समीकरण है जो आपकी वर्कशीट में वैल्यूज पर गणना का प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शन ए एडिशन प्लस, सेकंड ऑप्शन मल्टीप्लेक्शन डिविजन्स, सी सब्सट्रैक्शंस या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते जो मान के साथ रुझान को आदर्श रूप में दिखाता है, जो नियमित समय के अंतराल में होरिजेंटल या एक्स पर प्लॉट किए जाते हैं। तो दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है ये। कौन सा चार्ट समय के बढ़ते जो मान के साथ रुझान को आदर्श रूप में दिखाता है, जो नियमित समय के अंतराल होरिजेंटल या एक्स पर प्लॉट किए जाते हैं। कॉलम चार्ट, रोबोट, लाइन चार्ट या फिर पाई चार्ट, ये चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, एमएस एक्सेल में सभी फॉर्मूले शुरू होते हैं, फॉर्मूले कहाँ से स्टार्ट होते हैं, माइनस के निशान से, प्लस के निशान से या बराबर के निशान से या फिर परसेंटेज के निशान से, फॉर्मूलों की शुरुआत कहाँ से होती है। क्वेश्चन नंबर 65, एम एस एक्सेल 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट डेटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होने चाहिए। एम एस एक्सेल 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट डेटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होने चाहिए, तो पाई चार्ट या फिर लाइन चार्ट या लीजेंड चार्ट या फिर कॉलम चार्ट। क्वेश्चन नंबर 66, प्रेजेंटेशन में चयनित या कॉलम स्लाइड को छुपाने के लिए किसका यूज किया जाता है, रिकॉर्ड का, हाइड स्लाइड का, लेआउट का या इसमें से कोई नहीं का। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, प्रेजेंटेशन में चयनित कॉलम स्लाइड को छुपाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रिकॉर्ड का, हाइड स्लाइड का, लेआउट का या इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 67, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट है, रिपीट करते हैं, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट है, कस्टम एनिमेशन, कस्टम ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन या फिर स्लाइड एनिमेशन। ये पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 68, एनिमेशन के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एक ट्रिगर है, एनिमेशन के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एक ट्रिगर है, तो ए ऑप्शन स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक होने पर कार्य करता है, एक बटन जो अगली स्लाइड पर ले जाता है, ए व बी दोनों ऑप्शन सही लगते हैं या फिर इसमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन 69, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन सी शॉर्टकट का यूज किया जाता है, तो चार ऑप्शन, कंट्रोल प्लस जे का, कंट्रोल प्लस के का या फिर कंट्रोल प्लस एम का या फिर कंट्रोल प्लस आई का। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से एक सुरक्षित पासवर्ड माना जाता है, तो इस टाइप का भी आपके छोटे सभी अक्षर आपने लोअर अक्षर में लिख दिए हो या सभी आपने कैपिटल एबीसी में लिखे हो या फिर कुछ आपने इस टाइप के करेक्टर यूज किए हो, कुछ इसमें आपके कैपिटल अक्षर हैं, कुछ स्मॉल में हैं और उसके बाद में स्पेशल करेक्टर भी है और उसके बाद में न्यूमेरिक की भी आपने यूज की हुई है या फिर वो आपने टोटल ही न्यूमेरिक आपने यूज कर लिया हो इस तरीके से, तो सबसे सेफ पासवर्ड किसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, HTTPS में S का अर्थ क्या होता है, यानी कि ये जो S जो लगा हुआ है HTTPS में, इस S का क्या अर्थ होता है, ये वेबसाइट को सुरक्षित करती है, सिक्योर करती है, सिस्टम या फिर सिंपल, तो इस S का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 72, MS Outlook 2010 ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसका एक मतलब ऐप है जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं, सॉफ्टवेयर है, एमएस आउटलुक 2010 ज़्यादातर उपयोग किसके लिए किया जाता है, ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए या फिर ए और बी दोनों के लिए या फिर ओनली ऑफिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 73,
विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, विंडोज 10 पर फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? कोर्टाना, विंडोज डिफेंडर, फोल्डर लॉक या उपरोक्त सभी? कौन सी करती है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, आपको अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 74, विंडोज 10 में किस फंक्शन के द्वारा सीडी या डीवीडी को किसी तीसरे सॉफ्टवेयर के बिना बर्निंग कर सकते हैं? क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, विंडोज 10 में किस फंक्शन के द्वारा सीडी और डीवीडी को किसी तीसरे सॉफ्टवेयर के बिना बर्निंग कर सकते हैं? डिस्क बर्निंग फंक्शन, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मेक सिस्टम या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 75, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है एक स्कैनिंग और ओसीआर आवेदन, मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? इसकी विविधता, इसकी सोचने की शक्ति या इसकी स्पीड या फिर इसकी शुद्धता? क्वेश्चन नंबर 77, पहली जनरेशन कंप्यूटर के मुख्य कंपोनेंट क्या था? पहली जनरेशन के कंप्यूटर के मुख्य कंपोनेंट क्या थे? तो क्या हो सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, वैक्यूम ट्यूब वाल्व हो सकता है या सभी हो सकते हैं? तो सभी आंसर आपको इसमें से चूज करना होगा सही ऑप्शन को। क्वेश्चन 78, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो मुख्य प्रकार हैं? निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो मुख्य प्रकार हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओरकल या जावा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या उपरोक्त सभी? तो सही ऑप्शन आपको इसमें से चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 79, कीबोर्ड निम्न में से किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड या फिर कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज है या सभी ऑप्शन सही है? क्वेश्चन 80 नंबर, प्रिंटर निम्न में से किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज है या उपरोक्त सभी है? क्वेश्चन नंबर 81, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक प्रयोग करने में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी, रजिस्टर या फिर रोम? क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? रोम, इपीरोम, पीरोम या फिर ओनली रैम? क्वेश्चन नंबर 83, WORM की फुल फॉर्म क्या है? WORM की फुल फॉर्म क्या है? राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रिकॉर्ड मेनी, विद वन रिकॉर्ड मेनी, राइट वन रीड माइक्रोफोन? तो सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। सभी की आपको जो इस बुक्स RCET की जो बुक्स है उसके एंड में सभी की फुल फॉर्म दिए है, तो सभी को आपको याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन एक डेटा भंडारण डिवाइस है, यानी कि डेटा स्टोरेज है? मॉनिटर कर सकता है डाटा को स्टोरेज, या फिर स्पीकर कर सकता है, या माउस कर सकता है, या हार्ड ड्राइव कर सकता है? हार्ड ड्राइव की जगह हार्ड डिस्क का भी नाम लिखा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, कोर्टाना को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? कोर्टाना को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? सर्च बॉक्स की तरह, इनबॉक्स की तरह, मेल बॉक्स की तरह या फिर उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है?
निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं हैं? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लाइनेक्स या फिर यूनिक्स। क्वेश्चन नंबर 87। आपके द्वारा डिलीट किए गए फाइल्स या फोल्डर को टेम्परेरी रूप से स्टोरेज करता है। आपके द्वारा डिलीट किए गए फाइल्स या फिर फोल्डर को अगर हम टेम्परेरी रूप से डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ जाती है? इनबॉक्स में जाती है, रिसाइकल बिन में चल जाती है, विंडोज में चल जाती है या इन सभी ऑप्शन में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से आप विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं? निम्न में से आप विंडोज स्टोरेज से क्या क्या कर सकते हैं? आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, गेम डाउनलोड कर सकते हो या आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि उपरोक्त सभी कर सकते हो। क्वेश्चन 89। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है, एक पॉपुलर चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट रिले चैटिंग या इंटरनेट संसाधन चैट या इंटरनेट अनुरोध चैट या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 90। किसी विषय पर सर्च करते समय का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। किसी विषय पर सर्च करते समय का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। सर्च इंजन का उपयोग करते समय, स्पाइडर का उपयोग करते समय या फिर इंडेक्स का उपयोग करते समय या फिर टेम्पलेट का उपयोग करते समय। क्वेश्चन नंबर 91। किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका जानना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है? उसका फैक्स एड्रेस जानना जरूरी है या उसका रेजिडेंस एड्रेस जानना जरूरी है या फिर उसको ईमेल भेजने के लिए उसका ईमेल एड्रेस जानना जरूरी है या सभी जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 92। एक पूर्ण ईमेल संदेश के तीन बुनियादी अंश है और एक पूर्ण ईमेल संदेश के तीन बुनियादी अंश है, उपयोगकर्ता नाम, डोमेन नाम या फिर डोमेन कोड। शीर्षक संदेश और हस्ताक्षर, शीर्ष पद लेख और संदेश, खाते पते या फिर डोमेन। 93 नंबर क्वेश्चन। .gov.edu.mil.net वगैरह एक्सटेंशन को कहते हैं डोमेन कोड्स, DNS, ईमेल या फिर इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 94। एक फाइल जो ईमेल के साथ जुड़कर जाती है उसे क्या कहते हैं? एक फाइल जो ईमेल के साथ जुड़कर जाती है उसे कहते हैं ईमेल, अटैचमेंट, पार्सल या सभी। क्वेश्चन नंबर 95। इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? पैकेट के रूप में किया जाता है, PPP यानी कि ट्रिपल पी के रूप में किया जाता है, मैसेज के रूप में किया जाता है या फिर पावर मैसेंजर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96। ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम है, ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या उपरोक्त सभी। जो ऑप्शन आपको सही लगे उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ PMJDY से जुड़े हैं, यानी कि PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना से क्या जुड़े हुए हैं? 5,000 रुपये तक की आप ओवरड्राफ्ट सुविधा ले सकते हो, 1,00,000 दुर्घटना बीमा कवर करा सकते हो, 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर हो सकता है या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से कौन सा मोबाइल वैलेट का उदाहरण नहीं है? पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, SBI बड्डी या फिर भीम। क्वेश्चन नंबर 99। ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्य सामग्री किन विकल्प के रूप में मिलती है? वर्ड डॉक्यूमेंट आपको मिल सकता है, PDF है या कोई JPG फाइल या फिर आपको कोई PPT यानी कि स्लाइड आपको मिल सकती है, वीडियो आपको मिल सकते हैं या सभी मिलते हैं।
ई लर्निंग, यानी कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो तो ऑनलाइन क्लास में आपको जो मतलब डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो कौन कैसे हो सकते हैं? वर्ड भी हो सकते हैं, पीडीएफ, जेपीजी या स्लाइड के रूप में हो सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के माध्यम से बताया जा सकता है, या सभी के माध्यम से बताया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 101, रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है? रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है? ए ऑप्शन, नौकरी तलाशने वालों जॉब सीकर्स को विभिन्न समय रोजगार के बारे में जानकारी एकत्र व प्रसारित। एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, महिला व कमजोर वर्ग के नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए विशेष योजना बनाना, बेरोजगार को रोजगार देना या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 102, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए ई बाजार का यूआरएल क्या है? यानी कि ई बाजार की जो राजस्थान सरकार से शुरू करी गई है उसकी सही वेबसाइट क्या है? तो https://www.ebazaar.rajasthan.gov/in या फिर https://www.ebazaar.rajasthan.gov/com या https://www.ebazaar.raj.com या इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 103, ई कॉमर्स के प्रकार है, ई कॉमर्स के प्रकार है B2B, B2C या B2C2C या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से क्या ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं के लाभ है? निम्न में से क्या ई गवर्नेंस सेवाओं के लाभ है? ट्रांसपेरेंसी, एक्यूबिलिटी, स्पीड या उपरोक्त सभी, अकाउंटेबिलिटी यही। क्वेश्चन नंबर 105, G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूरा नाम क्या है? गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू सिटीजन या गवर्नमेंट टू कस्टमर या उपरोक्त सभी। तो ये G2C का पूरा नाम आपको इसमें बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 106, G2C ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है, G2C ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है लीज ऑफ रेजिडेंशियल लैंड, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज या Amazon ऑनलाइन मार्केट प्लेस। क्वेश्चन नंबर 107, EPDS का पूरा नाम क्या है? इनकी EPDS का पूरा नाम ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या ई पब्लिक डिस्पोजल सिस्टम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 108, ई मित्रा मॉडल किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? ई मित्रा मॉडल किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? G2C का, C2C का, B2C का या फिर G2C और B2C दोनों का। क्वेश्चन नंबर 109, राजनेट में कनेक्टिविटी हेतु किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? राजनेट में कनेक्टिविटी हेतु किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? सैटेलाइट का, लेन का, ऑल ऑफ अबो यानी कि सभी का या फिर सवन का। क्वेश्चन नंबर 110, SSO का पूरा नाम क्या है? यानी कि SSO ID का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन या सिंगल साइन ऑफ या सिंगल सॉफ्टवेयर ऑन या सॉफ्टवेयर सर्विस ऑन। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से कौन सी सुविधा SSO लॉगिन में उपलब्ध नहीं है? निम्न में से कौन सी सुविधा SSO लॉगिन में उपलब्ध नहीं है? तो क्वेश्चन आंसर है जो इसके, एप्लीकेशन फॉर डोमिशियल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 112, राज्य सरकार का कौन सा विभाग EPDS पोर्टल पर संचालित करता है?
राज्य सरकार का कौन सा विभाग ई पीडीएस पोर्टल संचालित करता है? ऑप्शन फूड्स एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 113, भामाशाह योजना के संदर्भ में डीपीटी का पूर्ण नाम क्या है? डीबीटी का पूरा नाम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डेटाबेस ट्रांसफर या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 114, इनकम टैक्स यानी कि आयकर रिटर्न क्या है? तो एक प्रमाण है कि आपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है, एक प्रमाण है कि आपने रोड टैक्स का भुगतान किया है, या एक प्रमाण है कि आपने हाउस टैक्स का भुगतान किया है, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 115, वेबसाइट https://www.irctc.co.in से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि अगर इस वेबसाइट पर अगर हम इसको नेट पर यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इससे हम आधार कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं, ट्रेन टिकट को प्राप्त कर सकते हैं, आयकर रिटर्न को प्राप्त कर सकते हैं, या इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 116, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम ग्राम पॉजिटिविंग सिस्टम, ग्लोबल पॉजिटिविंग सिस्टम या गाइड पॉजिटिविंग सिस्टम या इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 117, मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है? मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है? अन्य उपकरणों के साथ साझा यानी कि शेयर करने की अनुमति देता है, अन्य डिवाइस के साथ शेयर करने की अनुमति नहीं देता है, या ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, या इसमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118, यह कौन सा ऐप है, यानी कि ये जो चित्र जो दिया गया है ये कौन से ऐप का है? भामाशाह ऐप का है, ई मित्र ऐप का है, राजस्थान संपर्क ऐप का है या फिर आधार कार्ड का है? तो ये आपको बताना होगा, ये ऐप, ये जो लोगो है कौन से ऐप का है। 119 नंबर, एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। एक विशेष सूची जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है वो कौन सा ऑप्शन है? टेबल है, क्लिपबोर्ड है, इंडेक्स है या फिर टेबल ऑफ कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 120, कट कमांड्स के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सेलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स रिमूव हो जाते हैं यानी कि हट जाते हैं, स्क्रीन बंद हो जाती है, एप्लीकेशन बंद हो जाता है या फिर नया डॉक्यूमेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, टाइम न्यू रोमन्स एरियल ब्लैक कैलिबरी क्या है? यानी कि टाइम न्यू रोमन्स एरियल ब्लैक कैलिबरी क्या है? ये कोई टेक्स्ट है या कोई फॉन्ट के नाम है या कोई डॉक्यूमेंट का नाम है या फिर किसी कलर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से किसका उपयोग करके आप टीओसी के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं? निम्न में से किसका उपयोग करके आप टीओसी के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं? आउटलाइन लेवल से, हेडिंग स्टाइल से, कस्टम स्टाइल से या आलोपति यानी कि उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 123, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007, एक्सेल 2010 का सही एक्सटेंशन फाइल का नाम क्या है? क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007, एक्सेल 2010 का सही एक्सटेंशन नाम क्या है? तो ये सीरीज वाइज आपको बताना होगा, XLS, XLS और XLSX, बी ऑप्शन XLS, XLSX और XLSX या फिर DOCX, DOC और DOCX, थर्ड जो डी ऑप्शन है XLSX, XLS और XLSX, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है सीरीज के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 124, एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है?
एक्सेल में शॉर्टिंग करने का जो ऑप्शन होता है वो कौन से मेन्यू में होता है? डाटा में होता है, होम में होता है, इंसर्ट में होता है या फिर एडिट में होता है? क्वेश्चन नंबर 125, यदि आपने गलती से कोई स्लाइड डिलीट कर दी है तो उसे वापस लाने के लिए क्या करना होगा? आपने कोई गलती से स्लाइड अगर डिलीट कर दी है तो उसको वापस लाने के लिए आपको कौन सी कमांड का यूज़ करना होगा? आप अंडू बटन दबाएंगे या बी ऑप्शन आप कंट्रोल प्लस जेड करेंगे या एप्लीकेशन को आप बंद कर दोगे या ए और बी ऑप्शन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं या दोनों के लिए आप ला सकते हो? तो ऑप्शन आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 126, भी एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए स्लाइड इफेक्ट है। ये पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट है। कस्टम ट्रांजेक्शन, स्लाइड ट्रांजेक्शन, कस्टम एनिमेशन या फिर स्लाइड एनिमेशन। क्वेश्चन नंबर 127, किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि इंसर्ट कर सकते हैं? यानी कि कौन से टैब का यूज करके हम पिक्चर को भी मतलब इंसर्ट कर सकते हैं, बॉक्स को कर सकते हैं, किसी चार्ट को कर सकते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने, इंसर्ट टैब का यूज करके, एडिट का यूज करके, व्यू का करके या फिर होम का करके। क्वेश्चन नंबर 128, किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे कि आपके पासवर्ड, जन्म तिथि, पिन इत्यादि? तो फिशिंग, पासवर्ड अटैक, मेलवेयर इंजन या फिर डिनायल ऑफ सर्विसेज। तो किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे ये जानकारी मांगी जाती है? तो ये ऑप्शन आपको बताने होंगे। तो ये सारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? स्पाईवेयर, वायरस, ट्रोजन हाउस या फिर सभी? क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी नहीं दर्ज करनी चाहिए, यानी कि किस प्रकार की वेबसाइट पर? तो ऑप्शन आपके सामने है, भी जिस वेबसाइट की एड्रेस की शुरुआत में HTTPS नहीं होता है, या जिस वेबसाइट में पेडलॉक नहीं होता है, वह जिस वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत में HTTPS नहीं होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है? कंप्यूटर से डाटा को रिकवर करने का कार्य नहीं है, कंप्यूटर से डेटा को नष्ट करने का कार्य नहीं है, कंप्यूटर से डेटा चोरी करने का कोई कार्य नहीं है, मतलब डाटा से चोरी होने से रोकने का कोई कार्य नहीं है, या फिर उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? ये मेलवेयर है, ये यहाँ पे मेल लय आपको पढ़ना होगा, मेलवेयर। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? एंटीवायरस, वायरस, स्पाईवेयर या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 133, विंडोज 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या विकल्प हैं? विंडो 10 में प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के क्या क्या विकल्प है? आप विंडो स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, इंटरनेट से इंस्टॉल कर सकते हो, सीडी या डीवीडी से आप इंस्टॉल कर सकते हो, या इन सभी ऑप्शन से आप इंस्टॉल कर सकते हो प्रोग्राम को विंडो 10 में। क्वेश्चन नंबर 134, भी दिए गए चित्र में क्या दर्शाता है? यानी कि ये जो आपके सामने इस तरीके का जो इमेज आपको दिखाई दे रही है डायग्राम, ये किस पर्पज से दिखाई दर्शाया गया है? तो इसमें आप क्या कर सकते हो, किसके लिए दिखाया गया है? भी आप मेल का उत्तर देना होगा, मेल को भेजना होगा, न्यू मेल करनी होगी या उपरोक्त सभी, जो ऑप्शन आपको सही लगे वो उसका जवाब आपको देना होगा। क्वेश्चन नंबर 135, भी यूज़र अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? यूज़र अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? स्टैंडर्ड अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या ए और बी ऑप्शन दोनों हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं है? क्वेश्चन नंबर 136, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या कर सकते हैं?
इंस्टॉल, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो अगर उसको आप अनइंस्टॉल करना चाहो तो आप कौन से ऑप्शन से कर सकते हो? ऑप्शन ए आपके पास है कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप के द्वारा, दोनों से कर सकते हो। सेटिंग ऐप के द्वारा कर सकते हो, कंट्रोल पैनल के द्वारा कर सकते हो, या इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137, आम तौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में किया जाता है? आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में किया जाता है? POP3 का, IMP का, HTTP का, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का? क्वेश्चन नंबर 138, वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट सूची में डालने के लिए क्या करना होगा? वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट की सूची में डालने के लिए क्लिक फाइल फेवरेट्स पर क्लिक करना होगा, या फिर क्लिक ऐड फेवरेट्स पर क्लिक करना होगा, या क्लिक फेवरेट ऐड टू फेवरेट्स पर क्लिक करना होगा, या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 139, OTP का पूरा नाम क्या है? OTP वन टाइम पासवर्ड हो सकता है, 1-2-Phone हो सकता है, या वन टाइम प्रोग्राम हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140, राज ई ज्ञान पोर्टल पर पहुंचा जा सकता है? राज ई ज्ञान पोर्टल पर पहुंचा जा सकता है, तो ये आपके सामने वेबसाइट दी हुई है, कौन से वेबसाइट के थ्रू इस ई ज्ञान के पोर्टल पर पहुंचा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 141, ई कॉमर्स के लाभ है सुविधा, पैसे की बचत, उत्पादों की श्रृंखला, या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 142, जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है? जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है राज ई साइन, RAS, RWS, GIWS, या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 143, SSO वेब पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली ई मित्र सेवाएं हैं? SSO वेब पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं हैं बिजली पानी का भुगतान, मूल निवास प्रमाण पत्र, रोजगार विभाग में पंजीकरण, या फिर उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 144, iOS विंडोज फोन एंड्रॉयड का अभिप्राय है? ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं, या ये सभी लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं, ए व बी दोनों ऑप्शन सही है, या इसमें से कोई भी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 145, SSO का मुख्य उद्देश्य है? SSO का मुख्य उद्देश्य है ग्राहक संतुष्टि को बेहतर करना, सहायता डेस्क लागत को कम करना, उत्पादकता बढ़ाना, या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 146, रेलवे PNR नंबर की संख्या होती है? रेलवे PNR नंबर की संख्या होती है 8, 9, 10, या फिर 11? क्वेश्चन नंबर 147, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जाने जाते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन नाम से जाने जाते हैं, रिफ्रेश दर, रेजुलेशंस, कलर, या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 148, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? यानी कि डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट की है, बाइट की है, वर्ड की है, या फिर टेक्स्ट की है? क्वेश्चन नंबर 149,
HTML का प्रयोग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। HTML का प्रयोग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मशीनी भाषा का प्रयोग, वेब पेज, वेब सर्वर या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 150, 3D प्रिंटर का उपयोग क्या है? 3D प्रिंटर का उपयोग क्या है? कंप्यूटर मॉनिटर पर 3D ऑब्जेक्ट प्रिंट करता है, भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है, 3D स्कैन करता है या उपरोक्त सभी करता है। तो दोस्तों ये थे RCIT की बुक्स में से मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चन। तो अब जो आपने डाटा तैयार किया, यानी कि जो आंसर आपने तैयार किए हैं, वो अब आपको इस आंसर की के साथ आपको मैच करने होंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा पूरी स्क्रीन पे करता हूँ, आपको इसी तरीके से आपने तैयार किया होगा। तो ये जो आंसर की है, ये आंसर की आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको आसानी से मैच कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव सबके पास ये वीडियो पहुँचे। सभी आपके फ्रेंड सर्किल में जो लोग हैं, इस RCIT एग्ज़ाम को आसानी से और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मतलब क्रैक कर पाए। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताइए भी, आपने इस 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितनी तैयारी आपकी किस लेवल की है। तो दोस्तों आप इस आंसर शीट के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, उतने ही आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका अगर आप शेयर करते हो तो आपके ये जो वीडियो है आपके फ्रेंड सर्किल में भी जाएगा, आपके रिलेटिव के पास भी जाएगा, तो हो सकता है उनका भी RCIT का एग्ज़ाम हो 3 अक्टूबर को, तो उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आंसर्स की रहेगी जो 3 अक्टूबर एग्ज़ाम होने के बाद में, तो उसका भी वीडियो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा।